भी सरकार, जो भी सरकार आए, अगर वीएम सिंह को गन्ना मंत्री बना दे तो मैं ये मानता हूँ कि गन्ना जी ही किसान की कुछ मदद कर सकते हैं। कौन सरदार जी? सरदार वीएम सिंह ही करेंगे अगर आ गए तो कहीं मौके पे। लेकिन सर वो तो सत्ता में नहीं है, कोई नहीं। सरदार वीएम सिंह कोर्ट की लड़ाई से किसानों के। अच्छा वीएम सिंह जी मसीहा हैं? एक पैसा नहीं लिया बीएम सिंह जी ने, हमारे पहले भी कोर्ट से पैसा दिलवाया है और हम अब भी आशा करते हैं कि कोर्ट सब लोग हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग हैं। कैमरा मैन से कहूंगी दिखाएं, यहाँ पे बीएम सिंह जी का दबदबा है, यहाँ पे चौपाल में सभी कह रहे हैं मसीहा है। सरकार इतनी भ्रष्ट है कि कोर्ट के आदेश को फेल कर रखा, किसान अगर डिफॉल्टर हो जाता है तो पकड़ कर ले जाती है। न्यूज प्लेटफॉर्म और चौपाल सज चुका है यहाँ पे, वही हमें यूपी, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो ये पूरी गन्ना बेल्ट है, और गन्ना बेल्ट की बात करें तो गन्ना बेल्ट में बहुत सारी समस्याएं। एक तो पहली समस्या है कि किसानों का गन्ने का भुगतान, वहीं दूसरी समस्या है कि बॉर्डर से किसान उठ चुके हैं लेकिन अभी एमएसपी की बात कोई नहीं की गई, तो इन सारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। वहीं कैमरा मैन से कहूँगी दिखाएं, यहाँ पे चौपाल सज चुकी है, काफ़ी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, हम इन्हीं से जानेंगे कि इसका समाधान कौन करेगा। सर किसान आंदोलन तो बॉर्डरों से हट चुका है लेकिन एमएसपी की कोई बात नहीं की जा रही है, तो कौन इसका समाधान करेगा? इसका सरदार बीएम सिंह ही करेंगे अगर वो आ गए तो कहीं मौके पे। लेकिन सर वो तो सत्ता में नहीं है, कोई नेता नहीं है ना, वो सत्ता जिसको कहेंगे वो वोट मिलेगा किसान का। अच्छा बीएम सिंह जी जिसे कहेंगे उसे वोट मिलेगा इस बार। गन्ने का भुगतान की अगर बात की जाए तो भुगतान तो गन्ने का किसानों को अब मिल नहीं रहा है ना। नहीं मिल रहा ना, बहुत दिन से नहीं मिल रहा, ब्याज कितना हो गया अरबों रुपया ब्याज। समाधान कौन करेगा? वो तो सरदार जी लड़ रहे हैं कोर्ट में, लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन सरदार जी? सरदार बीएम सिंह, उन्हीं के द्वारा मिलेगा, सरकार नहीं मान रही इस बात को। अच्छा मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार सत्ता में है उसके द्वारा नहीं मिलेगा, बीएम सिंह जी के द्वारा। बीएम सिंह जी के द्वारा मिलेगा, कोर्ट ने आदेश भी कर रखे हैं। अच्छा, आदेश सरकार, ये सरकार इतनी भ्रष्ट है कि कोर्ट के आदेश को फेल कर रखा, किसान अगर डिफॉल्टर हो जाता है तो पकड़ कर ले जाती है, तहसील में बंद कर देती है। और मिल वाले कितने दिन से पैसे खाए बैठे, किसी को आज तक बंद किया जेल में, किसी को कुछ कहा मिल वालों को, पैसा ले लेती है सरकार मिल वालों से, चलती रहती है। लेकिन सर जो किसान उठ चुके हैं उन्हें एक लेटर के साथ उठे हैं, उसमें सरदार जी से कोई रोल नहीं है। अच्छा सरदार बीएम सिंह जी का कोई रोल नहीं जी का उसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, तो किसका रोल है? वो पंजाब के किसान थे। अच्छा, या किसान जी उन्हें कुछ। चलिए आप पीछे बैठे, आपसे पूछना चाहूंगी पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो ये पूरी गन्ना बेल्ट है, लेकिन गन्ना बेल्ट में भी हमें देखा गया है कि कई किसानों से भी मैंने बात किया सुबह से कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, तो कौन इस समस्या का समाधान करेगा? गन्ने का भुगतान 30 साल हो गए, सरदार वीएम सिंह कोर्ट की लड़ाई से किसानों के खाते में पहुंचाते हैं। अच्छा। पूरे देश में लगभग 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अच्छा। अगर वीएम सिंह इन गन्ना किसानों की लड़ाई ना लड़ते तो अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लाखों किसान आत्महत्या कर लेते। लेकिन सर अगर बीएम सिंह जी की बात की जाए तो सुनने में आया उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक उनकी पैतृक प्रॉपर्टी है, उनके बाप दादा की है, और उन्होंने अपनी संपत्ति को घटाया है। जितना भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है कोर्ट में जा कर के, वो इलाहाबाद लड़ें, लखनऊ को हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, सब अपना पैसा खर्च करते हैं, उन्होंने किसान से कभी भी एक पैसा चंदा नहीं लिया। क्या कह रहे हैं? एक पैसा नहीं लिया बीएम सिंह जी ने, हमारे पहले भी कोर्ट से पैसा दिलवाया है और हम अब भी आशा करते हैं कि कोर्ट द्वारा ही कुछ हो सकता है, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। लेकिन सर अगर बीएम सिंह जी की बात की जाए तो वो सत्ता में तो नहीं है ना, सत्ता में तो पार्टी है। सत्ता में नहीं है लेकिन वो कोर्ट के द्वारा ही कराते हैं ये सत्ता, सरकार कोई सी भी आ जाओ, ये सरकार तो किसान के विरोधी हैं जौन सी भी आती है। हाँ, क्योंकि और सबसे ज़्यादा विरोधी ये आई कि इसने तो किसान को पट्टी कर दिया, खेती जानवर खा रहे हैं और गन्ने का पैसा नहीं बढ़ाते, ना भुगतान मिले, ये सबसे बड़ी समस्या। तो बीएम सिंह जी कराएंगे? वो आशा करते हैं कि बीएम सिंह जी ने पहले भी दिलवाया कोर्ट के द्वारा पैसा, और अब भी आशा करते हैं कि हमारा ब्याज का जो पैसा है वो ही दिलवा सकते हैं, क्योंकि सरकार रेट तो बढ़ा नहीं रही लेकिन हमारा जो साल साल 6-6 महीने में पैसा मिलता है उसका ब्याज भी नहीं दे रही है, कोर्ट ने कई फरियादेश कर दिए लेकिन सरकार। जिस दिन ब्याज किसान को मिल जाएगा, चीनी मिले खुद ही 14 दिन के अंदर भुगतान करना शुरू कर देंगे। चलिए सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर चीनी मिल की बात की जाए तो चीनी मिल पे भी कहीं जगह जगह पे धरने चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। तो उसका समाधान कौन करेगा? उनका भी बीएम सिंह करेंगे। अच्छा सारी मतलब किसानों इधर पश्चिमी यूपी, क्या कह रहे हैं आप? वो मसीहा हैं किसानों के। अच्छा बीएम सिंह जी मसीहा हैं। अच्छा
लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो भीम सिंह जी का बहुत दबदबा है, देखा गया है इस एरिया में। हाँ, दबदबा है पूरा। अच्छा, पूरा दबदबा है पूरा, लेकिन ना तो वो सत्ता में है। मत हो, किसानों के नेता तो हैं। अच्छा, किसानों के नेता है। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए किसान बाउडरों से उठ चुके हैं लेटर लेकर। पंजाब पंजाब के उठ गए, हमारा क्या मतलब उस पास से? अच्छा, आपका मतलब नहीं? हाँ, वो उठ गए पंजाब हरियाणा के उठ गए। अच्छा, पंजाब हरियाणा के उठ गए। आप पीछे यहाँ पे युवा आप हैं यहाँ पे, अगर पश्चिमी यूपी के किसानों की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के किसान हैं सारे गन्ना किसान हैं, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। तो कौन कराएगा सर? ये तो सरदार बीएम सिंह करा रहे हैं, करवाएंगे, उन्हीं पर सबका विश्वास है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बीएम सिंह ने पहले ब्याज दिलाया किसानों का। अच्छा, बीएम सिंह जी ने पहले भी दिलाया? हाँ, अभी दिलाएंगे। अच्छा, इधर भी कई लोग बैठे हैं, हम यहीं से पूछना चाहेंगे आपको। क्या कह रहे हैं आप? अरे बीएम सिंह जी, अभी देखिए इन लोगों ने बताया कि बीएम सिंह जी ने इतने अच्छे काम किए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बीएम सिंह किसान मसीहा तो है, इसमें तो शक है। किसान मसीहा है, बाकी लोग नहीं है क्या? बाकी होते तो फिर बात ही क्या थी, किसान परेशानी क्या होता अगर सारे किसान मसीहा हो जाते तो। हाँ, लेकिन सत्ता में तो नहीं है ना वो? सत्ता में आ जाएंगे। हाँ? अच्छा, आ जाएंगे सत्ता में, और सत्ता से बड़ा सामान कोर्ट है उनपे। अच्छा, कोर्ट मतलब सत्ता से बड़ा कोर्ट है, और वो कोर्ट के जरिए किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? किसानों की जो शिकायत है वो कोर्ट के द्वारा ही सॉल्व कर रहे हैं। बीएम सिंह जी सत्ता में नहीं है, आप सरकार से क्यों नहीं कहते? सरकार से पता नहीं कह के देख लियो, कुछ होती मान रही है सरकार? सरकार मानती नहीं है? सरकार मान रही है कहीं लठ और फिरवाने चक्कर में रहा है, बंद करो इन्हें। लेकिन अगर आप सरकार मानती नहीं है? सरकार मान रही है कहीं लठ और फिरवाने चक्कर में रहा है। लेकिन अगर आंदोलन की बात की जाए, किसान उठ चुके हैं बाउडरों से, लेकिन एक लेटर लेकर। उन लेटर से क्या हो रहा है? ऐसे लेटर तो बहुत फिर हैं, लेटर सरकार के लिए लेटर कोई चीज नहीं थोड़ा ही है, वो तो ऐसे बतेरे कागज लिख के दे देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन मिलेगा तो हमें जो कुछ मिलेगा तो कोर्ट द्वारा ही मिल पाएगा। बीएम सिंह दिवा पाएंगे और नहीं दिवाने कोई भी। अच्छा, बीएम सिंह जी कराएंगे? हाँ भाई, वही करा सकते हैं और नहीं कराने का। और तो कोई? क्या कह रहे हैं? यहाँ के मसीहा हैं और उन्होंने बहुत कुछ पहले भी पैसा दिलवाया है, कोर्ट के द्वारा दिलवाया है, और हम आशा करते हैं कि बीएम सिंह जी ही किसान की कुछ मदद कर सकते हैं। सरकार नहीं सुनती। 2022 की आप बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी सरकार, जो भी सरकार आए, अगर वीएम सिंह को गन्ना मंत्री बना दे, तो मैं ये मानता हूँ कि गन्ना किसान की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अच्छा, गन्ना मंत्री वीएम सिंह जी को बना दिया जाए? बना दिया जाए। अच्छा, अगर लेकिन ऐसा कहीं प्रयास होता है। अच्छा, कोई भी पार्टी ऐसा बोल करती है तो यहाँ का किसान, जो गन्ना किसान है, वो 100% वीएम सिंह के पक्ष में जाएगा। लेकिन सर, अगर बात की जाए तो जो सत्ता में पार्टी है वो कहते हैं हमने इतने परसेंट किसानों का गन्ने का पैसे का भुगतान कर दिया है। सर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का कोई इलाज है? प्रधानमंत्री लाल किले पर से कह देते हैं कि हम दे रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, जमीन पे कुछ है नहीं केवल। आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत हंस रहे हैं पीछे से। जिस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा हो, झूठ बोलता हो, उसकी जनता का, इनका नेताओं का और क्यों क्या विश्वास है? जिनका हेड ही बोल लिया हो गलत, और कौन क्या कहेगा? सच्चा है, सच्चा है, कोई भी सच्चा नहीं है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को विश्वास बीएम सिंह जी, बीएम सिंह पर है, उन पर पूरा विश्वास है, वही दिलवा। पक्का है? पक्का है, पक्का। कितने लोग हैं यहाँ बीएम सिंह जी के सपोर्टर? सब लोग हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग हैं। कैमरा मैन से कहूंगी दिखाएं, यहाँ पे बीएम सिंह जी का दबदबा है यहाँ पे चौपाल में। सभी कह रहे हैं मसीहा हैं बीएम सिंह जी यहाँ के। गांव में घर घर निकल जाओ, बच्चे बालक औरतें सब यही कहेंगे। अच्छा, सब लोग यही कहेंगे? टोटल यही है। अच्छा, बीएम सिंह जी ही सब वही है जो कुछ है। अच्छा, तो देखा आपने, इस चौपाल में गन्ने की बेल्ट है और यहाँ चौपाल है, लोग बैठे हैं, काफी किसान है यहाँ पे। लेकिन कहना सबका यही है कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं बीएम सिंह जी ही सॉल्व करेंगे वो। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म।